पेड़ झुकता है तो फल देता है, टूटता है तो हलाहल। एब्सोल्यूट नेसेसिटी के चलते हर साल विश्व धरा से 1,000 करोड़ पेड़ कम हो जाते हैं, जिसके चलते 21,000 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ जाती है। एब्सोल्यूट नेसेसिटी मतलब अपरिहार्य आवश्यकता के नाम पर हम पहले ही हजारों गुना ज्यादा CO2 के साथ साथ बहुत सा जहर फिजाओं में घोल चुके हैं। हवा, पानी, मिट्टी, संस्कृति में गुथे हुए जहर का आकलन करें तो खुद को उत्तर मिल जाएगा कि लोग कैंसर से क्यों मर रहे हैं, बच्चे मंद बुद्धि और कमजोर क्यों हो रहे हैं, बांझपन और नपुंसकता क्यों बढ़ रही है, पंच सितारा अस्पतालों तक में मरीजों का तांता क्यों लगा हुआ है। 10 लाख की आबादी वाला एक समाज इन्हीं समस्याओं से बचाने के लिए पिछली 5 शताब्दियों से संघर्ष कर रहा है, पर उनके संघर्ष का प्रचार होने के बजाय कभी उन्हें बदनाम किया गया तो कभी उनका कत्लेआम। मैं सतीश सिंह उठो और जागो एपिसोड 8 में आज बात करने जा रहा हूँ बिश्नोई समाज की अमृता देवी बेनीवाल और साथ ही साथ उनके समाज के 363 लोगों की, जो एक साथ शहीद हो गए थे पेड़ों को बचाने के लिए। इस घटना की याद में आज भी नेशनल फॉरेस्ट मार्टिस डे मनाया जाता है। बात है सन 1730 की, जब जोधपुर के राजा अभय सिंह के सैनिक महल निर्माण हेतु चूना पकाने की भट्टी के लिए लकड़ी काटने खिजड़ली गाँव गए। खिजड़ी मतलब समी के पेड़ों की बहुलता के कारण ही यह गांव खिजड़ली कहलाता था। समी का पेड़ धार्मिक लिहाज से, औषधि उपयोग, ईंधन व चारे के लिहाज से भी एक बहुत ही अच्छा पेड़ है राजस्थान इलाके में। पेड़ों को बचाने के लिए सबसे पहले अमृता देवी बेनीवाल सामने आई। उनको सैनिकों ने कुल्हाड़ी से काट दिया। उनकी 3 बेटियों आसू, रतनी और भागु को भी मार दिया गया। इतने पर यह सिलसिला नहीं रुका, बल्कि गाँव के 363 लोग भी उनके साथ शहीद हुए पेड़ों को बचाने के लिए। सैनिकों को खाली हाथ लौटना पड़ा, राजा को पेड़ काटने का आदेश वापस लेना पड़ा। अभय सिंह ने कुछ सैनिकों को दंडित भी किया। 2 दशक पहले एक बिश्नोई युवक निहाल चंद वन्य जीवों की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। बाद में इसी घटना पर विलिंग टू सैक्रिफाइस मूवी बनी। फिल्म को स्लोवाक फिल्म महोत्सव में पुरस्कृत भी किया गया। मरणोपरांत शहीद निहाल चंद को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वह पहले असैन्य शहीद हुए। यहाँ औरतें पेड़ों की पूजा करती हैं। हिरण का बच्चा अनाथ हो जाए तो उसे महिलाएं दूध पिलाकर अपने बच्चों की तरह पालती हैं। सलमान खान को इसी समाज ने 5 दिन तक जेल में रहने पर मजबूर किया था। काले हिरण का शिकार करने का आरोप सलमान खान पर लगा था। उनके पास से शिकार की बंदूक भी बरामद हुई थी। बिश्नोई समाज और उनके धरा प्रेम के पीछे की वजह को समझिए। इस अगाध प्रकृति प्रेम का बीजांकुरण किसने किया था? 16वीं शताब्दी में जब राजस्थान में क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखने वाले जाम्भेश्वर जी ने संन्यास लेकर नए धर्म की स्थापना की और इस धर्म में विभिन्न जातियों को दीक्षित किया तो यह धर्म कहलाया बिश्नोई धर्म। दरअसल जाम्भेश्वर भगवान द्वारा स्थापित जाति पाति मुक्त इस धर्म में 29 नियम हैं, जैसे कि जीव हत्या रोकने के लिए अनुनय विनय से अगर सफलता न मिले तो अपना बलिदान भी कर दीजिए। सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान, मतलब जान की कीमत पर अगर एक पेड़ भी बचाया जा सकता है तो वह भी सही है। जाम्भेश्वर भगवान के बताए सिद्धांतों को बिश्नोई समाज आज भी मान रहा है। यह कहना अतिशयोक्त नहीं है कि प्रकृति संरक्षण बिश्नोइयों की मनोवृत्ति बन चुका है। पिछली 5 सदियों में हजारों बिश्नोइयों ने वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए अपना बलिदान किया है। ऐसा भी नहीं है कि यह समाज मुख्य धारा से कटा हुआ एक जनजाति कबीला है, बल्कि ये भी दूसरे समुदायों की तरह ही कृषि व्यवसाय नौकरियों में संलग्न है, पर अपनी संस्कृति अपने सिद्धांतों के साथ। बिश्नोई दर्शन आज और भी प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि जंगलों को मिटाकर खेत और खेतों को मिटाकर शहर बनाने का सफर आज भी जारी है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 2018-19 में 30,36,000 पेड़ काटे गए। भारतीय आबादी दुनिया की लगभग 18% है, तो इस हिसाब से हमारे पास पेड़ भी 18% होने चाहिए, लेकिन हमारे पास हैं सिर्फ 10% पेड़। पर कैपिटा ट्री का वैश्विक औसत है 422, लेकिन भारत में यह औसत है 28। पर कैपिटा ट्री कम से कम एक व्यक्ति पर 100 पेड़ होने चाहिए ताकि शुद्ध हवा मिल सके, पर भारत में यह औसत बहुत ही कम है। अगर हर भारतीय 72 पेड़ तैयार करे तब जाकर यह अंतराल पटेगा, लेकिन यह असंभव है, क्योंकि हम सलमान खान के फॉलोवर्स हैं, ना कि अमृता देवी बिश्नोई के। आज के इस एपिसोड पर आप लोग खुद सोचिए कि हम कहाँ हैं और कहाँ होंगे। अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करिए और इसी के साथ मुझे जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार दोस्तों।